हे गाइस, वंस अगेन गुड मॉर्निंग। तो आज है डे फोर और आज हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम लोग आज? नाथुला पास। आज जाने वाले ठांगू लेक, नाथुला पास एंड बाबा मंदिर। तो यहाँ से अराउंड 50 to 55 किलोमीटर है, जो कि ड्राइवर ने बताया हमारा कि कितना, अराउंड टू आवर्स लगेगा। तो हम लोग सब रेडी हो चुके हैं, हम लोग और भाई लोग भी सब रेडी है, देख सकते हैं पूरा रेडी है। तो यस, रेडी है, पूरा रेडी है और वो लोग लो निकलते हैं। हे गाइस, तो फाइनली हम लोग छांगू स्टैंड पहुंच गए अपने रूम से, जो कि हार्डली कितना 10 to 15 मिनट्स लगा आने में। और ये रहा हमारा कुछ ये गाड़ी है और यहाँ से अब हम लोग निकलेंगे, फिर हम लोग मिलते हैं। हमारे ड्राइवर ने ये नथुला पास के लिए पास खरीद लिया है, तो ये आप देख सकते हैं, ये मतलब पास के लिए है। और ये रहा कुछ पास, 20 रुपीज़ पर हेड का प्राइस है और ये नथुला पास का पास। जैसे कि मैं बताया था कि नाथुला पास जा रहे हैं हम लोग, जो 50 to 53 किलोमीटर है, और अभी हम लोग अराउंड 30 किलोमीटर कवर किए हैं, अभी 20 किलोमीटर और बाकी है। तो अभी हम लोग को 20 मिनट्स का ब्रेक दिया, तो अभी हम लोग ब्रेक पे उतरे हैं। देखते हैं, यहाँ पे भी हम लोग को शायद रेंट में लेना पड़ेगा बूट जैकेट बहुत सारा कुछ, क्योंकि ड्राइवर ने जैसे कि बताया कि वहाँ पर ठंडा है ना, तो लेना पड़ेगा, ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, गाड़ी रोका था और हम लोग ने कुछ खाने के लिए लिया है, मतलब ऑर्डर दे दिया। और यहाँ पे हम लोग रेंट पे लेना पड़ेगा शू। तो भाई, आपको क्या यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम? जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ लाचुंग से ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि यहाँ पे धूप नहीं है कुछ भी, और एकदम रियलिस्ट ठंडा बहुत फील हो रहा है। और यहाँ पे भी जैकेट लेना पड़ेगा, यहाँ लॉन्ग जैकेट लेना पड़ेगा, और यहाँ पर रेंट भी ज़्यादा ले रहा है। सबसे प्रॉब्लम है कि लाचुंग में हम लोग गए थे, तो वहाँ पे जैकेट का 100 रुपीज़, बूट 100 था। सबसे दुख इस बात का है कि ग्लव्स खरीदना पड़ेगा, हाँ रेंट पे नहीं ले सकता, खरीदना है क्योंकि हम लोग महंगा देंगे और हम लोग को बाद में ज़रूरत पड़नी है। हाँ, तो यहाँ पे जैकेट का प्राइस है, एक जैकेट का 200 करके, और लाचुंग में हम लोग गए थे वो 100 करके था। बूट का भी यहाँ पे डिवाइड है, वहाँ पे लाचुंग में सब बूट का कितना 100 था, नो वहाँ पे कोई ऐसा कुछ, बट यहाँ पे एक यहाँ पे एक्स्ट्रा है जो कि गम बूट्स, एक्चुअल गम बूट्स हैं, वो थोड़ा अच्छा होता है इसके कंपेरिजन नॉर्मल रबर बूट्स के कंपेरिजन। हाँ, तो उसका 200 और नॉर्मल बूट का 100 है, और ग्लव्स तो हम लोग को फिर परमानेंट बाय करना पड़ेगा, तो और कोई ऑप्शन है नहीं। थैंक गॉड मैंने लेना पड़ा, ये ले लिया था, ये टोपी मैंने वहाँ से ले लिया था हम दोनों ने, वरना सर यहाँ पे भी पंगा पड़ जाता है। उसका कैप भी हम लोग को, जो टोपी है मेरे पास तो है वैसे भी बैग में गाड़ी पे, बट उसको भी हम लोग को परमानेंटली बाय करना पड़ेगा, दो रेंट ऑप्शन नहीं है। जो आना चाह रहे हैं वो पहले से ही प्रिपेयर रहे हैं कि एटलीस्ट हैंड ग्लव्स और कैप के लिए तो रेडी ले, ये गर्ल्स से कंपलसरी ले लेना, वहाँ सस्ते में मिल जाएगा। जैकेट यहाँ पे ले लेना ठीक, बूट लेना ही पड़ेगा अगर आपके पास है लॉन्ग जैकेट, तो आगे भी है ना, अगर आप इनर थर्मोकोल पहन रहे हो, इनर थर्मल पहन रहे हो, बस ठीक है। तो हम लोग ब्रेड ऑमलेट ऑर्डर किया था, ये जस्ट जो दो पीस है बस, ये इसका 60 रुपीज़ है ना, तो यहाँ पे थोड़ा है लाइक कॉस्टली है। और मैगी भी 60 रुपीज़, बट जस्ट वन पैकेट मैगी का वो देगा, ऐसा कुछ नहीं है कि दो पैकेट दे रहा है बस, तो कोई चांस नहीं है, खाना पड़ेगा, चलो खाते हैं फिर टेस्ट बताएंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं, मैं ये जैकेट पहन लिया और ये सब लेने के बाद, और यहाँ पे स्नोफॉल स्टार्ट हो गया, और ये वाला जो ग्लव्स है ये हम लोग को परमानेंट बाय करना पड़ेगा, तो हम लोग नथुला पास के लिए चलते हैं।
फाइनली हम लोग नाथुला पास पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पे कितना बर्फ है और आने में मिनिमम 5000 है, तो हम लोग को आने में 2.5 hours लग गया है और देख सकते हैं कितना ठंड हो रहा है, एकदम ग्लव्स पहन के सब फुल एंजॉय में। यस, बहुत मजा आ रहा है, अभी दिखाते हैं सबको, भाई भाई लोग को और भी सब सीन दिखाते हैं हम लोग, बहुत ठंड हो रहा है यहाँ पे एकदम मस्त सा। कैसा लग रहा है? ये लाचुंग से भी ज्यादा अच्छा है। क्योंकि इतना ठंड यहाँ पे, बहुत ठंड है यहाँ पे, धूप बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और हम लोग 0 point गए थे, वहाँ भी था, पर एक्चुअल में ये माइनस पे हम, बहुत ज्यादा ठंड हो रहा है यहाँ पे, बहुत ज्यादा यहाँ पे एकदम, बहुत मस्त भी वेदर, मतलब बहुत अच्छा यहाँ पे फीलिंग आ रहा है यार। तो हम लोग थोड़ा सा जैसे लाचुंग में खेले थे, तो वो गेम तो फिर से बनता है, तो फिर से खेलेंगे हम लोग। एक सेकेंड, इतना ठंड है यहाँ पे, लिटरली बता रहा हूँ, इतना ठंड है कि मैं बोला नहीं जा रहा। और ग्लव्स जैसे ही मैं निकाला हूँ, मतलब वीडियो मोबाइल पकड़ने के लिए, क्योंकि होता नहीं, इतना ठंड है कि हाथ पूरा जम जा रहा है और बोलने में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम है भाई यहाँ पे, क्योंकि ज्यादा अगर एक्टिविटी कर रहे तो फील हो रहा है। और इतना ठंड है कि बोल नहीं पा रहा हूँ मैं, बहुत ठंड है यहाँ पे लिटरली, बट आई एम एंजॉयिंग मैन, बट मजा तो नहीं आ रहा है, मोर देन लाचुंग, यहाँ पे बहुत मजा है रियली में, यहाँ बहुत मजा आ रहा है। और बस और क्या ही बोले हम लोग, अब तो एंजॉय हम लोग करते हैं, थोड़ा हम लोग भी खेलते हैं, फिर आप लोग को भी दिखाएंगे, तो मिलते हैं। यो, तो अभी स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गया है, सो वी आर लकी इनफ कि हम लोग स्नोफॉल भी देख लिए, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा बट मतलब दिखता होगा मैं भी दिख रहा होगा, स्नोफॉल स्टार्ट हो गया। ओह क्या लकी है हम लोग कि स्नोफॉल इस सीजन में हम लोग देख पा रहे हैं, ये बहुत ही हम लोग लकी है, क्या बोल रहे हैं भाई। जैसे ड्राइवर ने बताया कि यूजुअली स्नोफॉल हर टाइम नहीं आता, बट होता है नहीं होता, बट स्नोफॉल अभी हो गया, हम लोग को मजा मिल गया पूरा, लाचुंग में तो नहीं मिला बट यहाँ पे मिल गया, बहुत मजा आ रहा है यार, पैसा वसूल है बोल सकते हैं। दिखाते हैं आपको अब कुछ सीनरी पीछे से, जैसे कि हम लोग से बिना जैकेट का, बिना ग्लव्स का कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब बहुत प्रॉब्लम है, मतलब इतना ठंड यहाँ पे नहीं हो सकता। तो आपको एक चीज दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये देख सकते हो, ये आप देख सकते हो, जस्ट इमेजिन यार, उफ, हम लोग से तो कुछ भी होगा ही नहीं। ये जो मेरा हाथ है पूरा जम चुका है, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत ठंड है यहाँ पे, बहुत ठंड, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, बहुत ठंड है यहाँ पे, स्नोफॉल पूरा हो रहा है, मोबाइल भी पूरा भीग गया है। We are really lucky enough, हम लोग देख सकते हैं, यह पूरा स्नोफॉल हो रहा है, देख सकते हैं ये पूरा स्नोफॉल, ओ भाई चलना पड़ेगा हम लोग, बहुत लेट हो गया, गाड़ी ढूंढते हैं जल्दी। तो बाहर इतना ठंड है मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बोल नहीं पा रहा था, स्नोफॉल हो रहा है, पूरा जैकेट वगैरह भीग गया पूरा। तो हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग गाड़ी में आके जल्दी से बैठ जाते हैं, क्योंकि बाहर स्नोफॉल हो रहा है और बहुत ठंड है इसलिए, और कंट्रोल नहीं हो पा रहा था हम लोग से, तो हम लोग ने गाड़ी में आके बैठ गया। देख सकते हैं ये भाई लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है, लिटरली मतलब इतना ठंड है मैं बता नहीं पा रहा हूँ, माइनस में है यहाँ पे, माइनस में, और यहाँ पे तो नेटवर्क भी नहीं है, वरना मैं तो फोटो स्क्रीनशॉट लेता वेदर का, बट यहाँ पे नेटवर्क नहीं है तो कोई ना, बट यहाँ पे माइनस में है, क्या भाई यहाँ रहना, मानो फ्रिज के अंदर कैसे रहना है, फ्रिज से भी ज्यादा यहाँ पे यार, चलिए फ्रिज से भी ज्यादा, डीप फ्रिज। तो भाई तो फिर हम लोग, अब हम लोग कहाँ जाएंगे, आई थिंक
छांगू लेक या बाबा मंदिर? छांगू लेक एंड देन बाबा मंदिर। बाबा मंदिर हम लोग जाएंगे, यहाँ से हम लोग निकलेंगे थोड़ा देर में। हे गाइस, तो हम लोग नथुला पास गए थे और नथुला पास से निकल चुके हैं और वहाँ से आने के बाद हरभजन बाबा मंदिर आए हैं और यहाँ का हम लोग दिखाएंगे। बट दिखाने से पहले मैं आपको, मेरा भाई जो है वो आपको यहाँ का कुछ आपको बताएंगे हरभजन बाबा के बारे में, थोड़ा उसे भी सुन लीजिए आप। तो बाबा हरभजन सिंह मंदिर आ चुके हम लोग और इन हरभजन सिंह जी के बारे में जो बातें हम बताने वाले हैं, पहला छोटा सा डिस्क्लेमर कि ये सुनी सुनाई बात है, तो हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ, बट जो मैं सुना हूँ वो बता देता हूँ। ये खुद एक सोल्जर रह चुके हैं और ये सोल्जर रह चुके हैं और एक शहीद होने के बाद ये अभी भी जिंदा है। ये लोग मानते हैं कि इनकी आत्मा बहुत तरह से कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है और ऊपर हम काम कर रही है और हेल्प करती है। हाँ, अभी प्रोटेक्ट करती है और इस लेवल तक प्रोटेक्ट करती है, ऐसे कह रहे हैं हम लोग कि जैसे चाइना लोग, चाइना में अगर कुछ प्लान करते हैं लोग अटैक करने के लिए कुछ भी, तो ये 3 दिन पहले आके इन लोग को बता देते हैं। हाँ ठीक है, कि उन लोग अगर प्लानिंग भी करते तो ये 3 दिन पहले आके बता देते, ऐसा हमने सुना है। हाँ ठीक है, अब इसमें कितनी सच्चाई है ये हम नहीं जानते, बट ड्राइवर ने बताया था, बट ड्राइवर और बाकी लोगों से सुन के यही लगा कि ठीक है, ऐसा कुछ तो है, सुपर पावर जो ऐसा कुछ कर रहा है। बट अब ये हरभजन सिंह जी हैं, ये सब लोग कह रहे हैं। हाँ, तो हम लोग दिखा, हम लोग यही सुने इस बारे में और इसीलिए हरभजन सिंह मंदिर फेमस है। हाँ। और एक और बात, ये एक नया मंदिर बना है, ये ओरिजिनल नहीं है, जहाँ पे उनका एक्चुअल में वो रहते थे या जहाँ पे एक और भी कहानी है कि न्यू हरभजन सिंह मंदिर है। चलते चलते, तो ओल्ड हरभजन सिंह मंदिर के पास एक और इंसिडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ एक्चुअली, कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और हेलीकॉप्टर में कुछ नहीं हुआ। और वो ओल्ड बाबा मंदिर में है वो, हम लोग वहाँ जाएंगे नहीं क्योंकि हम लोग को बहुत लेट हो गया आज, तो वो वाला वहाँ भी जाने के लिए था, तो वो एक्चुअल मंदिर था, ये बस उनके याद में या फिर उनके लिए बना दिया क्योंकि हर टूरिस्ट वहाँ तक नहीं जा पाते, बट न्यू हरभजन सिंह मंदिर आ सकता है। हाँ, यहाँ ये यूजुअली पैकेज में इंक्लूडेड रहता है और ओल्ड बाबा मंदिर के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर ओल्ड बाबा मंदिर अगर आपको जाना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। हम लोगों से 300 रुपए लिए पूछे थे, मेजोरिटी डिनाइड की, हम नहीं जाएंगे तो हम लोग नहीं गए। बाकी नज़ारा बहुत मौसम है, हम लोग को यहाँ ठंड कम लग रही क्योंकि हम लोग बहुत ही ऊपर से आ रहे हैं और वहाँ पे बहुत ठंड। अब हम दिखा देते हैं यहाँ का वो जो है बाबा सिंह मंदिर का जो भी है। देखो बाबा मंदिर के निकलने के बाद डायरेक्टली हम लोग आए हैं छांगू लेक, जो कि दिखाते हैं आपको कितना ब्यूटीफुल सीन है। और यहाँ पे कुछ याक राइड भी होता है, तो याक का 1% का क्या प्राइस है, क्या रेट है, मतलब हम लोग आपको वो भी बताएंगे। तो उससे पहले बट आपको दिखा देता हूँ कि छांगू लेक कितना अच्छा ब्यूटीफुल है, दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यही कुछ छांगू लेक है और देख सकते हैं यहाँ पे पूरा ड्यू बोलो, बादल बोलो, जो भी, बट विजिबिलिटी कुछ भी नहीं है, ना कुछ भी नहीं है। और देखें यहाँ से कुछ ये सीन है, ये बादल कैसे जा रहा है, दिख रहा। हाँ दिख रहा होगा, एक बार करो भाई। और ये लिटरली बादल बहुत अच्छा दिख रहा है ना, क्या खूबसूरत है, बहुत अच्छा दिख रहा है। इतना वेदर क्लियर होता ना यहाँ पे, नज़ारा ही कुछ बहुत अच्छा होता, बट चलो इट्स ओके। टाइम टू मेक वीडियो कॉल। राइड है, पर पर्सन राइडिंग करना है तो 650 है, अगर आपको फोटो क्लिक करना है तो 100 रुपीज पे करना पड़ेगा, आप देख सकते हो, बस यही कुछ है। बट अभी मेरे को जल्दी से रूम पे, मतलब गाड़ी पे जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत जोर से बारिश आ गई है, जल्दी से चलता हूँ मैं।
क्योंकि अभी राइड नहीं कर पाऊंगा, पूरा भीग जाऊंगा, जल्दी चलता हूँ। जैसे कि हम लोग छांगू लेक से निकल चुके थे और निकलने के बाद हम लोग लंच के लिए रोका गया है, थोड़ा देर ब्रेक दिए, तो अब हम लोग का लंच वगैरह करेंगे और लंच करने के बाद हम लोग अब डायरेक्ट फिर से गैंगटॉक जाएंगे। तो पहले कुछ हम लोग लंच कर लेते हैं जल्दी से। देख सकते हो कि हमारा गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था और यहाँ पे इतना लोगों को धक्का देकर गाड़ी स्टार्ट करना पड़ेगा। पूरा लोग देख सकते हैं पावर लगा रहे फिर भी गाड़ी नहीं जा रहा। थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, नहीं हो रहा है। हो गया हो गया, कम ऑन कम ऑन, थोड़ा और थोड़ा और, देखते स्टार्ट होता है या नहीं होता। ईटा है, ईटा पत्थर है, पत्थर। फाइनली स्टार्ट हो गया। तो हम लोग अब होटल के लिए निकल चुके हैं और हम लोग देख सकते हैं गाड़ी भी स्टार्ट हो गया था, तो अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट होटल में। तो फाइनली हम लोग नथुला पास और बाबा मंदिर और सब जगह से हम लोग घूम के हम लोग अपने रूम पे आ चुके हैं भाई लोग। और हम लोग का फिर कल ट्रेन है, तो हम लोग अब सब कुछ पैकिंग करना पड़ेगा। तो भाई लोग सब अपना अपना पैकिंग कर रहे हैं, देख सकते हैं सब लोग पैकिंग कर रहे हैं। तो बस गैंगटॉक का सफ़र हम लोग का यहीं पर ख़त्म हुआ। तो भाई आप बताओ कि आपका गैंगटॉक का सफ़र कैसा रहा, सब कुछ थोड़ा एक्सप्लेन करो भाई। पूरा एक्सप्लेन करने के लिए तो वक्त कम पड़ जाएगा, बट ओवरऑल इतना मज़ा आया कि मतलब हमेशा याद रहेगा, ज़िंदगी भर याद रहेगा। क्योंकि हमने ब्लॉग बना शूट करके रखे हैं तो उसको देखते रहेंगे भी और देखेंगे बाद में भी, तो भी और भी मज़ा आएगा। इसी तरह फिर मिलेंगे इसी तरह के सफ़र पे नेक्स्ट ट्रिप इंशाल्लाह लद्दाख में भी मज़ा आएगा। हाँ, देन दैट्स ऑल, साइनिंग ऑफ। मिलते हैं फिर।